बहुत अच्छी। सच बताऊं बहू, मुझे तो ना खरीदते टाइम बहुत डर लग रहा था। यही सोच रही थी पता नहीं तुम दोनों को पसंद आएगी भी या नहीं। अब तुझे पसंद आ गई है तो तेरी जिठानी को भी पसंद आ ही गई होगी। मम्मी जी, ये क्या कबाड़ उठा लाई? आपने सोच भी कैसे लिया, ये साड़ी मैं पहनूंगी? अरे लानी ही थी तो कम से कम ढंग की तो ले आती। ये साड़ी पहनने लायक है? दीदी कितनी तो अच्छी है साड़ी। बड़ी बहू मैं तो अपने आप से अच्छी लेकर आई थी। दीदी आपको मेरी पसंद है तो आप ये ले लो। पर ये क्या तरीका है मम्मी जी से बात करने का? तू तो चुप ही रह सास की चमची। मुझे मत सिखा कि मुझे कैसे बात करनी है कैसे नहीं। छोटी है छोटी बन के रह, बड़ी बनने की कोशिश मत कर। और आप बेटी के लिए कपड़े खरीदते टाइम तो आपकी पसंद बहुत अच्छी हो जाती है, और जब बारी बहुओं की आती है तो आपको ये पटरी वाला सामान पसंद आता है। नहीं बड़ी बहू, कैसी बात कर रही है। मैं भी उसी दुकान से ये साड़ी लेकर आई हूँ जिससे तूने कहा था कि वहाँ अच्छे कपड़े मिलते हैं। रहने दो मम्मी जी, आखिर कितना झूठ बोलोगी। अरे मुझे क्या कपड़े की पहचान नहीं है? बस करो दीदी, एक तो मम्मी जी अपने पैसे खर्च करके आपके लिए कोई चीज़ लेकर आई हैं। अरे आपको नहीं पसंद है तो मत पहनना ये साड़ी। मम्मी जी मुझे अपनी साड़ी बहुत पसंद आई है, इसे तो मैं जरूर पहनूंगी। बेटा मैं इसके लिए इतना करने की कोशिश करती हूँ कि ये खुश रहे, पर भगवान जाने इस बड़ी बहू के दिमाग में क्या वहम है। मैं इसे इतना खुश रखने की कोशिश करती हूँ पर ये है। मम्मी जी मैं जानती हूँ, पर अब दीदी के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। देखना एक दिन ये भी बदल जाएंगी, आज तक तो बदली नहीं, अब क्या बदलेगी। तुम दोनों मेरी बहू हो, पर देख तुम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं तेरे लिए कुछ ना भी करूं तू फिर भी खुश रहती है, और इसके लिए इतना कर लूं फिर भी इसका मुंह फूला रहता है। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तू मिल गई। अगर इसी जैसी आ जाती ना मेरी दूसरी बहू तो भगवान जाने मेरा क्या होता, मैं तो जीते जी मर जाती। मम्मी जी आप ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं बेटा सही कह रही हूँ। बड़ी बहू मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तू थोड़ा सा तेल की मालिश कर दे मेरे सिर में। मम्मी जी दिन में सपने तो नहीं देखने लग गई आप? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके सिर में तेल लगाऊंगी? क्या हुआ मम्मी जी? लो आ गई आपकी चमची। कुछ नहीं छोटी बहू, मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने बड़ी बहू से कहा कि मेरे सिर में तेल लगा दे। लाओ मैं लगा देती हूँ। पर बहू तेरा काम? अरे वो सब बाद में हो जाएगा, खूब कर ले इनकी सेवा, पर इससे तुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अरे ये तो चाहती यही है कि घर की बहू बस घर में काम करती रहे और एक नौकरानी की तरह रहे, और तू इनके झांसे में आ गई। मुझे देख, मैं इनके झांसे में नहीं आई और आज आजाद हूँ और अपनी मनमर्जी का सब कर पा रही हूँ। अरे मेरा जब मन करता है बाहर घूमने चली जाती हूँ, जब मन करता है आ जाती हूँ, अपनी मनमर्जी की जिंदगी जी रही हूँ मैं। और एक तू अपनी तरफ देख, तुझे याद भी है लास्ट बार कब गई थी तू बाहर घूमने? मेरे ख्याल से 2-3 महीने तो हो ही गए होंगे, हैं कि नहीं? कितनी जलन हो रही है। अच्छा दीदी मैं चलती हूँ। तू कहाँ चली? अरे मुझे बहुत दिन हो गए थे मम्मी से मिले हुए, सोचा मायके हो ही आऊं। मायके पर अचानक? अरे तुझे अच्छे से पता है ना कल मेरा हाथ जल गया था इतनी बुरी तरह, और तू मायके चली गई तो यहाँ पर काम कौन करेगा? तुझे पता है मुझसे कुछ काम नहीं होने वाला। अब दीदी मुझे नहीं पता, जैसे करना है कर लेना, मैं तो चली। ओके बाय। अरे
ये ले बड़ी बहू, चाय और नाश्ता कर ले, और बेटा फिर दवाई ले लेना, और पानी में हाथ मत डालना नहीं तो घाव पक जाएगा। अच्छा अब ये बता, खाने में क्या खाएगी? वही बना दूँगी। मम्मी जी, मैंने आपको इतना भला बुरा कहा और इतना सताया आपको, और आप मेरे लिए। बड़ी बहू, मेरे मन में तेरे लिए कोई मैल नहीं है। अरे तुम दोनों तो मेरी बेटी जैसी हो, अब तुम मुझे माँ मानो या ना मानो, पर मैंने तो हमेशा तुम दोनों को अपनी बेटी ही माना है। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। छोटी सही कह रही थी कि दीदी आप मम्मी जी को समझ नहीं पा रही हो, जिस दिन समझ जाओगी ना उस दिन आपको गलती का एहसास होगा। और मम्मी जी, मुझे वो एहसास आज हो रहा है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं बड़ी बहू, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है।